नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पी के सरकारी योजना में। आज हम लेकर आया पेंशन से कुछ जुड़ी जानकारी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपसे कोई भी नई जानकारी न छूटे। तो दोस्तों, आज हम पेंशन का इंतज़ार खत्म इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपनी पेंशन सहित रिटायरमेंट से जुड़े अन्य परिलाभों की मांग को लेकर सुखेलिया यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर बुधवार को हड़ताल पर बैठ गए। सुखेलिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अनिल कोठारी को पिछले लगभग 4 महीने से यह लाभ नहीं मिले थे। प्रोफेसर कोठारी फरवरी 2022 में रिटायर हो गए थे। इससे पहले 17 मई को भी प्रोफेसर कोठारी यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे थे, मगर तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 1 जून तक उन्हें इन परिलाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होने की स्थिति में प्रोफेसर कोठारी बुधवार को तेज धूप में प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। 1 जून का दिया था आश्वासन। प्रोफेसर कोठारी ने बताया कि उन्हें 1 जून का आश्वासन दिया गया था, मगर अब आज कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अमरीका सिंह फिलहाल नहीं है, जब वे आएंगे तब ही इसका निराकरण हो सकेगा। प्रोफेसर कोठारी ने कहा कि अमरीका सिंह लंबे समय से छुट्टियां पर है, ऐसे में वे कब आएंगे किसी को मालूम नहीं। बता दें कि अमरीका सिंह 19 अप्रैल से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं। अमरीका सिंह पर लगाए थे आरोप। इससे पहले प्रोफेसर कोठारी ने यूनिवर्सिटी को लिखी चिट्ठी में अमरीका सिंह पर आरोप लगाया था कि अमरीका सिंह ने जानबूझकर उनकी पेंशन सहित अपनी परिलाभ रोके है। इधर इस मामले को लेकर कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पी के सिंह ने कहा कि कार्यवाहक कुलपति हूँ, मेरा काम सिर्फ रूटीन काम देना है, नीतिगत निर्णय में नहीं ले सकता, मगर हम प्रोफेसर कोठारी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ ही है और आप भी उनके साथ रहिए। अगर आप हमारी इस दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको जो भी परेशानी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।